अभी अभी आई बहुत बड़ी खबर, लड़कियों से मंगाया उनकी न्यूड फोटोज। 120 लड़कियों के आरोप के बाद आरोपी को हुई सजा, न्यूड फोटोज मांगकर ब्लैकमेल करता था। आपको बता दें कि फिनलैंड में स्नैपचैट के जरिए 100 से अधिक बच्चों को अपना शिकार बनाने वाले शख्स को गुरुवार को जेल भेज दिया गया। जेसी एर्क कोनेन नाम का ये शख्स सोशल मीडिया के जरिए मासूम बच्चों को अपनी बातों में फंसाता था, फिर उनकी न्यूड तस्वीरें मांगता था। 27 वर्षीय जेसी के खिलाफ 120 लड़कियों ने आरोप लगाए। इन लड़कियों में अधिकांश की उम्र 12 से 16 के बीच है। दक्षिणी फिनलैंड के पिरकर्मा की अदालत ने इस युवक को लड़कियों को ब्लैकमेल करने के मामले में जेल भेजा। युवक पर आरोप था कि वह कम उम्र की लड़कियों को सोशल मीडिया के जरिए टारगेट करता था। पहले वह नाबालिग लड़कियों को दोस्त बनाता था, जिसके बाद उन्हें अपनी बातों में फंसा उनसे न्यूड पिक्चर्स और वीडियो मंगवाता था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी माना कि जेसी नाबालिग लड़कियों से मिलने के दौरान उन्हें धोखे से नशे का सेवन करवाता था, जिसके बाद लड़की के बेसुध होने का फायदा उठाता था। जेसी को गंभीर बाल यौन शोषण के 20 मामलों, बाल यौन शोषण के 59 मामलों के साथ साथ ब्लैकमेल, धमकी सहित अन्य आरोपों के लिए 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। जेसी पर कुल 190 आरोप थे। जेसी ने जिन लड़कियों को अपना शिकार बनाया उनमें से अधिकांश वालके कोसके शहर और आसपास के। आरोपी ने कुछ पीड़ितों को पैसे, शराब, तंबाकू या भांग का वादा करके मिलने और यौन गतिविधियों में शामिल होने के लिए राजी किया और फिर लड़कियों को तस्वीरों को फैलाने की धमकी दी। आरोपी ने कोर्ट में अपने बचाव में कहा कि मुझे यह सब याद नहीं। मामले का खुलासा 7 मामले 2021 में हुआ था, जब पीड़िताओं ने अपनी स्कूल टीचर से इन घटनाओं का जिक्र किया था।